हेलो टू एवरीवन। आज हम एनोशिमा आइलैंड आए हैं, चलिए आपको विजिट कराते हैं। ये एनोशिमा आइलैंड की एंट्री है, ये स्टेशन है, स्टेशन से बाहर हम निकले हैं और बाहर का ये एंट्री का, बाहर से अंदर जाने की एंट्री है। ये बर्गर एंड कैफे की शॉप भी है, बट वेजिटेरियन आई थिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शिवम देखने के लिए गया। अभी हम इस ब्रिज से क्रॉस करके जाएंगे आइलैंड। ये देखिए, ये सामने दिख रहा है जो ट्रीज वगैरह हैं और ये टावर सा दिख रहा है, बस इतना सा ये आइलैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड है। बीच में समुद्र है, यहाँ तो वही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और बीच में सी एरिया। आज छुट्टी है तो बहुत लोग आपको दिखेंगे। यहाँ के कौवे बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हमारी डक्स होती हैं या हैंस होती हैं, ऐसे बड़े बड़े कौवे हैं। ये इस तरह की साइकिल को ममाचारी बोलते हैं, और ये जो है मदर बैठती है और उसके साथ दो बच्चे, एक पीछे और एक आगे। देखिए क्या स्टाइल है, पीछे के बच्चे के बैठने के लिए पैर रखने की जगह भी है, कंफर्ट्स का बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पर। और हम तो लटकते पटकते चल पड़ते हैं साइकिल में भी बच्चे को लटकाते हुए। देखिए कितनी खूबसूरत है ममाचारी, क्या व्यू है यार, ओह माय गॉड, ये सारा जापान ही ऐसा है खूबसूरत है। अब ये देखो हम आइलैंड के पास आ रहे वाले हैं, ये बीच में पुल बना हुआ, नीचे सी है। और ये कार्स आ रही हैं पार्किंग के लिए, बहुत लंबी लाइन होती है पार्किंग की। देखिए हम आइलैंड के पास आते जा रहे हैं, ये स्टेशन से कितना होगा, 1.5 किलोमीटर, 600 मीटर, लेकिन चल रहा है, लगता है बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। कितना छोटा सा आइलैंड है लेकिन जापान है ना। टोटल 6,000 से ऊपर आइलैंड है ना जापान में, 6,000 समथिंग है, 6,000 समथिंग है। और सबसे वेल कनेक्टेड है, और सब जगह ऐसा ही लगता है कि हम एक ही जैसे जापान में घूम रहे हैं, और एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे ड्रेसिंग सेंस है, उसी तरह के कपड़े हैं, मेट्रोज रेलवे JR सब वैसे ही है, फैसिलिटीज सारी वैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। हम इंडिया में जैसे घूमते हैं तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमारे को बहुत डिफरेंस लगता है, यहाँ पर वैसा नहीं है, बहुत बिल्कुल एक जैसा सब कुछ। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए पूरा 360 एंगल का व्यू, यहाँ से हम आए हैं, ये ब्रिज है जो कनेक्टेड ब्रिज है आइलैंड का, और ये देखिए सामने वो भी देखिए पहाड़, समुद्र, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पहाड़ भी, समुद्र भी, बारिश भी, गर्मी भी, कभी 2 घंटे में कुछ हो जाता है, कभी 2 घंटे में कुछ हो जाता है। देखिए लोग अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं, सबको पता है कि हो सकता है बारिश हो जाए, धूप है, अम्ब्रेला नहीं है, पैरासोल, पैरासोल क्या होता है,
धूप से बचने के लिए छतरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था यहाँ पर धूप से बचने वाली छतरी को पैरासॉल बोलते हैं और बारिश वाली को अम्ब्रेला। अच्छा, मतलब दो अलग अलग तरह की छतरी लेके घूमना पड़ता है इनको, है ना, धूप के लिए अलग। वेदर क्या? नहीं, आप पैरासॉल को एज अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हो, लेकिन अम्ब्रेला को एज अ पैरासॉल नहीं यूज कर सकते। अच्छा, गिरा मंदे ना फोन आएगा नहीं वापस, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए। और ये देखो जेट्स की खड़ी है, पानी से डर लगता है, नहीं तो हम चढ़े जाएं ऊपर। कितनी प्यारी लग रही है ना ये ट्रेन। ट्रेंड लोग ही जाते होंगे, अनट्रेंड लोगों को तो नहीं देते होंगे। लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा, लाइसेंस चाहिए इसके लिए। अच्छा, पीछे बैठ सकते हो आप, बट ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, वेजिटेरियन में यहाँ पर ये देखो मिल रहा खीरा। पाइन एप्पल पिकल्ड है, खट्टा। ये टेंपल जो है इनका, श्राइन जाने का गेट है। इनके गेट के आसपास इस तरह के स्टैचूज बने होते हैं। हम जो है पहाड़ पर चढ़ने की बजाय एलिवेटर्स पे जा रहे हैं, और यहाँ पर 640 रुपये की टिकट है, 640 येन पर पर्सन। तो अभी हम चलेंगे एस्केलेटर पर, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हमने पहाड़ समुद्र देखना है तो बहुत पास पास है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, एक डेढ़ घंटे के रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह हैं देखने के लिए। शिवम टिकट ले रहा है। अब हम एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं। ये सिंगल बंदे के हिसाब से चढ़ने वाला है। अब हम दूसरे पर जाएंगे। ये ब्रिटिशर का ही आइलैंड था, उसने अपना घर बनाया हुआ था, अभी इसको उसने छोड़ दिया है और गवर्नमेंट ने इसको गार्डन एरिया बनाया हुआ है। ये उसका पूरा घर ब्रिटिशर का। कभी वो यहाँ रहता था। देखो कितने मोटे गुलाब, देखो डंडी है ना स्टेम इसकी। बहुत अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं। वाओ, गुलाब का साइज देखो जरा। नीचे पानी को इवेपोरेशन से बचाने के लिए। बहुत ही सुंदर है। जिनका था ये सैमुअल कॉकिंग, जिनका ये घर था, आइलैंड था बेसिकली।
मियामी बीच एरिया है। ये लॉन कैफे है, इसमें फ्रेंच टोस्ट और आइसक्रीम मिल रही है और हम भी एंजॉय करेंगे फ्रेंच टोस्ट एंड कॉफी। लाइन लगी हुई है, अभी तो नंबर ले रही है। ये उसी फॉरनर के हाउस के अंदर ही बना हुआ है। ये ब्रिटिशर के घर में सनडायल बना हुआ है। अब ये बिल्डिंग तो नहीं है उनकी, सिर्फ नींव साइब रह गई है और बाकी इन्होंने कुछ कुछ चेंज कर दिया और गार्डन उसी का ही है। सी कैंडल से व्यू, वाओ दूर तक समुद्र ही समुद्र है यार, हैं? वहां जाना था, वहां जाना था। केव एरिया है, अपन जाना पड़ेगा। वहां केव से आपको वो व्यू वहां पे जाके दिखेगा। एक्चुअली केव वो नीचे की साइड है, इसलिए नीचे तक 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 वाला लगता है। थक गए यार, बहुत लंबा था वो। देखो आप वो ये याद है, यहां से एकदम स्टेप 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 उतरते उतरते आप वहां पे बैठ जाते हैं। दूर तक समुद्र ही समुद्र है, जमीन कहीं है ही नहीं है। अच्छा ओपन एरिया, अच्छा ये केव्स एरिया है। हमने गए, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, आधे रास्ते से वापस चले गई। नेचुरल केव्स हैं यहाँ पर, छोटा सा आइलैंड है, भरा पड़ा है, इतने घर बने हुए हैं। यहाँ लोग रहते हैं क्या? हाँ स्टे करते हैं। बिजनेस, हाँ बिजनेस तो बहुत है यहाँ। अब हम सी कैंडल के ओपन व्यूज में आ गए हैं। ये देखो कितना चढ़ना पड़ता है जाते हुए एस्केलेटर से, हम इन सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहे हैं। जय हो जापान। ये देखो कितना चढ़ना पड़ता है। हम वापस आ गए ऊपर से नीचे और अब हम थोड़ा कुछ खाएँ पियेंगे और फिर जाने की तैयारी करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।